सो हेलो गाइस, वेलकम टू एम टू सेम चैनल। सो आप सभी को पता है बिग इट के ऑडिशन किस तरह से हुए थे और किस तरह से सातों ही मेंबर को सिलेक्ट कर लिया गया था। सो आज हम बात करेंगे किम ताएवन की, तो कैसे वो सिलेक्ट हुए। सो आप सभी जानते हैं कि फर्स्ट मेंबर आरएम और सबसे लास्ट मेंबर किम ताएवन थे। मैं बताता हूँ थोड़ी स्टोरी किम ताएवन के बारे में। सो किम ताएवन को पहले से ही म्यूजिक का बहुत शौक रहा है बचपन से ही। सो उन्होंने एक बार उनके डैडी से फाइट भी की थी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल खरीदने के लिए। सो उनके डैड ने उन्हें कहा था अगर वो स्कूल में अच्छे रैंक से पास आउट हो जाएगा उन्हें वो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल ला के देंगे। और बीटीएस के वी के ये जुनून के वजह से ही वो पास आउट हुए अच्छे रैंक से। और उसके बाद उनके डैडी ने खुश होकर उन्हें म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल ला के दिया और वो बहुत मेहनत करते थे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल पे और वो म्यूजिक का पहले से उन्हें बहुत ज़्यादा शौक था। तो धीरे धीरे करते उन्होंने म्यूजिक में इंटरेस्ट बढ़ता गया और उसके बाद उनका सपना म्यूजिशियन बनना हो गया। और वो एक दिन उनके फ्रेंड के साथ यूं ही बोट करते हुए ने फ्रेंड को ऑडिशन देने के लिए गए थे। बट देखते ही देखते केबिन क्रू की नज़र वी पे पड़ी बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव थे। और उसके बाद बीटीएस के वी को कहा गया कि क्या तुम ऑडिशन दोगे। उसके बाद वी ने जवाब दिया मैंने अभी प्रिपेयर नहीं किया है कुछ भी, सो मैं कुछ दिनों बाद आऊँगा और फिर ऑडिशन दूंगा। सो केबिन क्रू ने भी कहा के दिया और बिग हिट ने भी कहा कि कोई नहीं टाइम ले लो। फिर उसके बाद किम ताएवन ने ऑडिशन दिया और उसके बाद वो सिलेक्ट कर लिए गए बहुत ही इजीली बिकॉज वो बहुत ही टैलेंटेड थे और लकी भी थे ऐसा भी कहा जा सकता है। बट टैलेंट के बिना कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। बट वो उनके टैलेंट के दम पे आए बट उनके फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हैं उनसे बिकॉज अगर कोई तुम्हारा फ्रेंड आगे चले जाएगा तुमसे तो तुम्हें जली सी तो होगी, नाराज़ तो होगे ना। तो आज भी उनकी नाराज़गी बहुत ही ज़्यादा दिखने मिलती है। सो स्ट्रीम में उनके फ्रेंड ने उन्हें बहुत ही ज़्यादा हर्ट किया, उनकी आर्मी को कुछ ना कुछ बोला, फिर सातों मेंबर को बहुत सब कुछ बोला। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं लायन हूँ और वो रैबिट है और वो प्लास्टिक सर्जरी कराता है, उनका फैंडम ऐसा है वैसा है। वो बहुत बहुत कहा, बहुत हेट किया बीटीएस को। फैंस ने भी ये वीडियो देखा और उसके बाद ये वायरल होने के बाद बीटीएस आर्मी ने कहा कि फ्रेंड से कि भाई तुम माफ़ी मांगो, अपोलोजाइज करो। बट उसके बाद ये सब चलता रहा और ये वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल हुए। सो हाल ही में एक जिमी फॉलन के शो में बीटीएस वी से पूछा गया कि आपके फ्रेंड को सिलेक्ट क्यों नहीं किया गया, क्या आपके फ्रेंड सिलेक्ट होते। सो वी ने कहा कि नहीं। सो ये वीडियो भी आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, इसी के बारे में हर जगह चर्चा हो रही है। सो किम ताएवन का फ्रेंड का गुस्सा आप देख ही सकते हो, बहुत ही ज़्यादा था, बहुत ही ज़्यादा हेट स्पीच दी थी उन्होंने। सो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है, सो इसी के बारे में सब बात कर रहे हैं। सो इसमें किम ताएवन की कोई गलती नहीं है, वो टैलेंटेड थे और उनका सिलेक्शन होना लिखा था तो वो हो गए। और आज सभी जानते हैं कि किम ताएवन कितने मेहनती है और कितने टैलेंटेड है। सो वो उनके टैलेंट के दम आए हैं आगे, ना कि केवल लक पे। सो बस यही है। सो आपको क्या लगता है नीचे आपकी कमेंट करके राय दे। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल पर अगर नए हो तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, टाटा बाय बाय।